मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक सड़क हादसे में करीब 16 मजदूरों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मृतक मजदूरों के शवों को प्रशासन ने ट्रक में लादकर रवाना किया। ये हाल तब का है जब स्वास्थ्य विभाग का बजट सरकार ने करोड़ों रुपए कर दिया है। साफ है शव वाहन और एम्बुलेंस का पैसा भ्रष्ट अधिकारी चाट गए हैं और प्रदेश की गरीब जनता अपनी बेबसी के आंसू रोने पर मजबूर है। देखिए शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें। जबलपुर के कमतिया इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद शर्मसार कर देने वाली है। मजदूरों के शवों को ट्रक में लाद कर रवाना किया गया है। जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक भी घटना स्थल पहुंची थी, लेकिन फोटो खिंचा कर रस्म अदायगी की गई है। मजदूरों को शव वाहन और एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग का करोड़ों अरबों का बजट जाता कहां है। निश्चित है कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाता है। इंडिया फर्स्ट हर वो मुद्दे उठाएगा जिसमें जनता को बेबसी के आंसू रोने पर मजबूर किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के नाम पर प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक जनता का खून चूस रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गरीबों के लिए एम्बुलेंस तो दूर, शव वाहन तक सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार के मंत्री और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री कब कार्रवाई करेंगे, ये सवाल प्रदेश की जनता अब जानना चाहती है। इंडिया फर्स्ट ऐसे तमाम वो मुद्दे उठाते रहेगा जो कि भ्रष्ट और कमीशन खोर नेताओं और अधिकारियों को बेनकाब करेगा। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।